नमस्कार, हम देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान दर्शन सिंह, जिसकी उम्र 62 वर्ष, बठिंडा के गांव अमरगढ़ के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि आंसू गैस की चपेट में आने से उनकी जान गई है। किसान दर्शन सिंह ने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे की शादी की थी। पिछले कई दिनों से खनौरी बॉर्डर पर डटे थे। दर्शन सिंह अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी को गए हैं। किसान ने अपनी बेटी की शादी करीब 8 वर्ष पहले कर दी थी और एकलौते बेटे की शादी कुछ दिन पहले की थी। इसके बाद वह किसान आंदोलन में शामिल होने खनौरी बॉर्डर आ गए थे। ग्रामीणों के अनुसार मृतक किसान दर्शन सिंह के पास 8 एकड़ जमीन खनौरी बॉर्डर पर। किसानों ने बताया कि दर्शन सिंह भी अन्य किसानों की तरह हरियाणा पुलिस का सामना कर रहे थे। पुलिस ने गोले फेंके, इनके धुएं की चपेट में आने से दर्शन सिंह की तबीयत बिगड़ गई और कुछ समय बाद मौत हो गई। किसान हरविंदर सिंह ने बताया कि मृतक किसान के शव को पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में रखा गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। शुक्रवार को सुबह जैसे ही किसान दर्शन सिंह की मौत की सूचना गांव पहुंची तो शोक की लहर छा गई। ग्रामीणों के अनुसार किसान दर्शन सिंह पिछले किसान आंदोलन में भी भाग लेने दिल्ली गए थे। इस बार 13 फरवरी से लगातार खनौरी बॉर्डर पर डटे थे। खबर में बस इतना ही। बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।